टी प्राप्तांक को अब हम डिस्कस करेंगे जब हम किसी सैंपल या न्यादर्श के रॉ स्कोर मूल प्राप्तांक या हम कोई एक ऐसा सैंपल साइज जो तीस से कम हो जो स्टैंडर्ड स्कोर यानी कि प्रामाणिक प्राप्तांक में कन्वर्ट करते हैं तो वह टी स्कोर कहलाता है टी स्कोर का फॉर्मूला होता है टी प्राप्तांक इक्वल टू तो टेन इंटू एक्स माइनस एम बाई सिग्मा प्लस फिफ्टी और टी इक्वल टू फिफ्टी प्लस टेन इंटू एक्स माइनस एम बाई सिग्मा एक्स इज द रॉ स्कोर मूल प्राप्तांक एम इज दैंपल मीन सिगमा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल न्यायादर्श मानक विलियन नाव द फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटर्न एस टीज इक्वल टू फिफ्टी प्लस टेन जेड जो विशेषताएँ या कैरेक्ट्रिस्टिक होती हैं टी स्कोर की फर्स्ट टी स्कोर का मीन हमेशा फिफ्टी होता है इसका स्टैंडर्डियन इसका रेंज बीस से अस्सी तक होता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मानना होता है हमेशा टेन और इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है टी स्कोर इट रिमूव्स द प्रॉब्लम्स ऑफ नेगेटिव स्कोर्स एंड डेसिमल वैल्यू यह जो जेड स्कोर में जो कमियां थी जैसे वहां पर हमें डेसिमल पॉइंट जो मिल रहे थे और डेटा या तो केवल माइनस थ्री सिगमा टू प्लस थ्री सिगमा मतलब कि बहुत ही छोटी डिस्क्रमिनेशन में डिवाइड हो रहा था और उसके अलावा जो वैल्यूज़ मिल रही थी जेड स्कोर की जो कमियाँ थी उनको दूर करने के लिए जो स्कोर बना या जो स्कोर्स आए वो हमारे टी स्केल या टी स्कोर्स पर मेजर किए जाते हैं एंड इट रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव स्कोर्स इसमें जो नकारात्मक हमारे मार्क्स स्कोर्स थे उनकी प्रॉब्लम को भी दूर कर दिया और साथ में जो डेसिमल वैल्यूज आ रही थी जैसे छः वैल्यूज ही आती थी माइनस थ्री सीगमा टू प्लस थ्री सीगमा जिनमें हमें डिवाइड कर रखा था ऐसे करके हम डिवाइड करते थे और हमें कभी कभी पॉइंट में भी वैल्यू लेनी पड़ती थी जैसे uh, 1.5 सिग्मा या 2.5 सिग्मा क्या वैल्यूज़ जो डेसिमल में आ रही थी उनको हटा दिया गया है टी स्कोर्स में एंड इट प्रेजेंट्स से गुड डिस्क्रिमिनेटिंग रेंज इसका जो रेंज है जीरो टू हंड्रेड तक की रेंज है जो कि बहुत ही अंतर वाली रेंज हमें मिल रही है जिसमें हम काफ़ी सारे डिफरेंसेस बता सकते हैं जैसे जीरो टू वन या ज़ीरो टू फाइव ऐसा करके हम अलग, अलग अलग लेवल बना सकते हैं जो भी रॉय स्कोर को हमें टी स्कोर में कन्वर्ट करना हो वो हम कर सकते हैं विदाउट डेसीमल वैल्यू यूज़ करके बिना डेसिमल वैल्यू यूज़ किए हम रॉ स्कोर को टी स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे जेड स्कोर या वहाँ मीन हमारा ज़ीरो होता था और स्टैंडर्ड डेविएशन होता था फिफ्टी यहाँ जो टी स्कोर है इसमें हमारा मीन होता है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 10. जेड स्कोर में स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा वन रहता था यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 10. रेंज इसकी रहती है 0 टू 100. कुछ राइटर्स ये भी कहते हैं कि इसकी रेंज 20 टू 80 होती है यानी कि वो जो कॉरस्पॉन्ड करती है जेड स्कोर की माइनस थ्री सिकमा टू प्लस थ्री सिकमा के इक्वलेंट होती है वो वैल्यू अगर हम वैल्यू ट्वेंटी टू एट्टी लेते हैं तो ट्वेंटी हमारा माइनस थ्री सिकमा होगा और 80 हमारा प्लस थ्री सिग्मा होगा पर अगर हम उसकी रेंज को बढ़ा दें तो माइनस फाइव सिगमा से प्लस फाइव सिगमा तक देखें तो इट इज़ कोरस्पॉन्ड्स टू जीरो टू हंड्रेड तक इसकी रेंज रहेगी जेड स्कोर और टी स्कोर में क्या कंपैरिजन सेंटर में रहता था यहाँ पर मीन हमारा यहाँ भी सेंटर में ही होगा लेकिन जेड स्कोर में मीन जीरो होता था और टी स्कोर में मीन हो जाएगा फिफ्टी बेसिकली हम माइनस थ्री सिगमा टू प्लस थ्री सिगमा लेते हैं लेकिन इसको हम जीरो टू हंड्रेड लेंगे जो जेड स्कोर के कंपैरिजन में माइनस फाइव सगमा टू प्लस फाइव सिगमा होगा फार्मूला अगर हमें जेड वैल्यू गिवन है तो हम टी में कन्वर्ट करना होता है और अगर टी वैल्यू गिवन है तो हमें जेड में कन्वर्ट करना होता है इसका जो मेन फार्मूला है वो है टी इजल टू टेन जेड प्लस फिफ्टी और अगर हमें रॉ स्कोर दिया हुआ है तो हम जेड इजगल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिगमा से भी जेड वैल्यू निकाल सकते हैं जो मेनली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आते हैं कि जेड वैल्यू दे रखी है तो हमें टी में कन्वर्ट करना होगा और अगर टी वैल्यू दे रखी है तो हमें जेड में कन्वर्ट करना होता है इसके लिए मेन फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो है टी इज गल टू टेन जेड प्लस फिफ्टी टेन है हमारा स्टैंडर्ड डेविशन फिफ्टी हमारा मीन है जो फिक्स रहेगा हमें हमारा स्टैंडर्ड डेविशन टेन रहेगा और मीन फिफ्टी रहेगा अगर हमें क्वेश्चन आता है कि रो स्कोर दे रखा है और वहाँ से हमें टी वैल्यू पता करनी है तो पहले हम जेड में कन्वर्ट करेंगे कोई ही फार्मूला लगाकर जेड इजल टू एक्स माइनस एम बाई सिक उसके बाद टी वाला फार्मूला टी इजल टू टेन डे जेड प्लस फिफ्टी से हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे, लेंगे अब हम इसे एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं टी इजल टू टेन जेड प्लस फिफ्टी हमें फार्मूला पता है अब यहाँ पे हमें

18 बाई टेन विच इज़ इक्वल टू 1.8 अब टेबल वैल्यू जो 1.8 की दी है वो आती है 46.14 तो हमारा जो मेन फार्मूला है टी इज इक्वल टू टेन एट प्लस फिफ्टी तो हम करेंगे 50 प्लस फोर्टी सिक्स पॉइंट वन फोर विच इज इक्वल टू नाइन्टी सिक्स पॉइंट वन फोर तो इससे कितनी वैल्यू अब और बिलो आएगी अब हम डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं टी वैल्यू आ रही है हमारी नाइन्टी सिक्स पॉइंट वन फोर ये की प्लस वन पॉइंट एट सिगमा की तो यहाँ टी स्कोर्स की वैल्यू दी हुई है आप देख सकते हैं माइनस थ्री सिग्मा टू प्लस थ्री सिग्मा में भी कन्वर्ट किया हुआ जेड स्कोर की वैल्यूज दी हुई हैं और टी स्कोर की भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने दी हुई हैं और जो वन पॉइंट एट की वैल्यू आ रही है इसे हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है ये आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं इसमें जो भी इससे बिलो पॉइंट आएगा वो ग्रीन से सारा हमने शेड कर रखा है और जो अबव आएगा उसको हम हंड्रेड में से माइनस कर देंगे अब ये जो एक और डायग्राम एन का दिया है इसमें हम देख रहे हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती हैं एन का ग्राफ है इसकी पूरी रेंज होती है माइनस थ्री टू थ्री सिकमा टू प्लस टू सिकमा अब मीन से प्लस वन सिकमा की वैल्यू होती है थर्टी फोर पॉइंट थ्री परसेंट और मीन टू माइनस वन सिकमा इज ऑल्सो थर्टी फोर पॉइंट वन थ्री परसेंट माइनस वन सिकमा टू माइनस टू सिकमा इज थर्टीन पॉइंट फाइव नाइन परसेंट प्लस वन सिकमा टू प्लस टू सिकमा इज ऑल्सो प्लस 13.59% पॉइंट फाइव नाइन परसेंट प्लस टू सिगमा टू प्लस 0.14 सिगमाइज जीरो पॉइंट वन फोर परसेंट वेरस माइनस टू सिगमा टू वन फोर परसेंट अब यहाँ हम देखते हैं कि मीन है सेंटर में मीन दी हुई है फिफ्टी अब फिफ्टी में से आप माइनस करेंगे थर्टी फोर पॉइंट वन थ्री तो आ जाएगा फिफ्टीन पॉइंट एट सेवन जो आप देख रहे हैं रेड इंक से लिखा हुआ है अब फिफ्टीन पॉइंट एट सेवन में आप माइनस करेंगे थर्टीन पॉइंट फाइव नाइन टू आ जाएगा टू पॉइंट टू सेवन वो माइनस टू सिगमा के नीचे वैल्यू लिखी हुई और 2.27 में से माइनस करेंगे माइनस uh, 2.14 uh, 0.14 तो आप वैल्यू आ जाएगी 2.14 सॉरी माइनस करेंगे 2.27 में से तो वैल्यू आ जाएगी 0.13 अब सिमिलरली 50 में से जब राइट साइड पे आप ऐड करेंगे 34.13 तो वैल्यू आ जाएगी 84.13 जो प्लस वन सिग्मा तक की वैल्यू दी हुई है अब 84.13 में आप 13.59 पॉइंट ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 97.92 वो प्लस टू सिग्मा के नीचे वैल्यू लिखी हुई है और 97.72 में आप ऐड करेंगे 2.14 तो वैल्यू आ जाएगी नाइन्टी तो ये आपको एन का थ्रू भी समझ में आ गया होगा डायग्राम अब इसमें हमें जो समझना है कि t इज इक्वल टू टेन जेड प्लस फिफ्टी है जेड होता है एक्स माइनस एम अपॉन सिगमा और जो t स्कोर की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है टू ए जेड स्कोर से तो वो माइनस फाइव सिकमा टू प्लस प्लस फाइव सिगमा तक की हम लेते हैं क्योंकि टी स्कोर का मीन होता है फिफ्टी और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है टेन तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में क्या दस का डिफरेंस है तो फिफ्टी माइनस टेन फोर्टी फोर्टी माइनस टेन थर्टी थर्टी माइनस टेन ट्वेंटी माइनस टेन इज एंड टेन माइनस टेन इज सिर राइट साइड तो टी स्कोर जब भी हमें जैसा कि आया था कॉरस्पोडिंग टू ए स्कोर जब हम अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं स्कोर कॉरस्पोडिंग टू एड स्कोर ऑफ टू विल बी सिक्सटी थर्टी सेवेंटी और एट्टी तो यहाँ हमने क्या किया था एक अब फार्मूला अप्लाई किया था टी इजल टू टेन प्लस फिफ्टी तो टेन जेड प्लस फिफ्टी यानी ट्वेंटी प्लस फिफ्टी इजल टू सेवेंटी इसको हम डायरेक्टली भी यहाँ निकाल सकते थे डायग्राम से ए, उसमें अगर हम देखते कि हमारे पास अगर सेवेंटी का स्कोर देखना है हमें कहाँ आ रहा है तो वो आ रहा है कॉरस्पॉन्ड्स टू तो, प्लस टू सिगमा तो जो सिग्मा स्कोर की टू की वैल्यू आ रही थी टू तो टी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा थर्टी सेवनटी और एट्टी अब जैसे कि हमें पता है कि टी स्कोर कैलकुलेट करने का फार्मूला है इक्वल टू टेड प्लस फिफ्टी जेड हमें दिया हुआ है टू तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला टेन इंट टू प्लस फिफ्टी ट्वेंटी प्लस फिफ्टी इज इक्वल टू सेवेंटी, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री सेवेंटी टी स्कोर कॉरस्पॉन्डिंग टू ए जेड स्कोर ऑफ टू विल बी सेवेंटी लेकिन हम इसे डायरेक्टली भी एन पी सी के ग्राफ के थ्रू भी निकाल सकते हैं नो लेट्स सी अब यहाँ देख रहे हैं एन पी सी का यहाँ पर जो टी स्कोर है वो माइनस फाइव सिगमा टू जेड के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस फाइव सिगमा टू प्लस फाइव सिगमा दिया गया है यहाँ पर हमें पता है कि मीन होता है मीन हमें मीन uh, इसका होता है फिफ्टी और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है टेन तो यहाँ हम मीन को सेंटर में लिखेंगे फिफ्टी और फिर हम देखते हैं कि राइट right साइड में टेन हम ऐड करते जाएंगे जैसे फिफ्टी प्लस टेन इज सिक्सटी सिक्सटी प्लस टेन सेवेंटी सेवेंटी प्लस टेन एट्टी एट्टी प्लस टेन नाइन्टी नाइन्टी प्लस टेन हंड्रेड ऑन द राइट साइड सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड वी विल सप्रेट ट्रेंड जैसे सिक्सटी माइनस टेन इज फोर्टी फोर्टी फिफ्टी फिफ्टी माइनस टेन इज फोर्टी फोर्टी माइनस टेन इज थर्टी थर्टी माइनस टेन इज ट्वेंटी एंड ट्वेंटी माइनस टेन इज टेन एंड टेन माइनस टेन इज जीरो अब यहाँ हम देख रहे हैं जो सेवेंटी का रॉ स्कोर आ रहा है राइट साइड पे इट कॉरस्पॉन्ड्स टू तो प्लस टू सिग्मा. सो so, जो टी स्कोर जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू तो टू सिग्मा जेड स्कोर इज इट्स वैल्यू इज सेवेंटी ये हम टेबल से भी निकाल सकते हैं आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा सिगमा इज टू 15 इस गिवन एम इज टू गिवन अब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे इसमें हमें टी की वैल्यू निकालनी है वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर टी कैलकुलेटिंग टी स्कोर इज टी इज इक्वल टू टेन जेड प्लस फिफ्टी जेड इजल टू एक्स अपॉन एम माई एक्स है रॉ स्कोर जो सिक्सटी फाइव दिया हुआ है मीन दिया हुआ है फोर्टी हमें और स्टैंडर्ड डन दिया हो फिफ्टीन तो हम z निकाल लेंगे z की वैल्यू फिफ्टीन विच इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव 15 फिफ्टी टू वन पॉइंट सिक्स सेवन अब हम t की वैल्यू निकालेंगे t इज इक्वल टू टेन जेड प्लस फिफ्टी टेन इन वन पॉइंट सिक्स सेवन प्लस फिफ्टी इज इक्वल टू सिक्सटी पॉइंट सेवन प्लस फिफ्टी इज टू सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन अब हम इसको देखते हैं कि हम वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम दैट z वैल्यू ऑफ वन पॉइंट सिक्स सेवन फॉल्स बिटवीन प्लस वन सिगमा टू प्लस टू सिगमा एंड ऑल्सो टी स्कोर फॉल्स बिटवीन 60 टू 70 दैट इज 66.7 अब जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये टी की वैल्यू है सेवन ये जो जेड की वैल्यू आ रही है हमारे पास आई थी माइनस 1.67 पॉइंट ये जैसा कि हम देख रहे हैं हमने ग्रीन से मार्क किया हुआ है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग टी की वैल्यू आ रही है सिक्सटी और सेवनटी के बीच में फॉल करेगी दस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टी स्कोर फॉर जेड वैल्यून पॉइंट सेवन इज सिक्स सेवन सो अवर आंसर इज अब नाउ वी कैन सी अनदर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू एट्टी फाइव इज गिवन सिग्मा इज इक्वल टू फिफ्टीन इज गिवन एम इज इक्वल टू फोर्टी इज गिवन यहाँ भी हम पहले z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे z का फार्मूला में पता है z इजल टू एक्स माइनस एम अपन सिगमा इक्वल टू एस फोर्टी अपन इज्वल टू फोर्टी फाइव अपन फिफ्टीन इज्वल टू थ्री सिग्मा अब t का फार्मूला में पता है t इज इक्वल टू टेन जेड प्लस फिफ्टी जेड इजल टू थ्री तो टेन इंट थ्री प्लस फिफ्टी थर्टी प्लस फिफ्टी इज एटी अब दिस वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट फ्रॉम द डायल्सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जेड वैल्यू थ्री सिग्मा की कॉरस्पोंडिंग टी वैल्यू है एट्टी दिस वी कैन कैलकुलेट डायरेक्टली फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो सो द आंसर इस टी वैल्यू इज एटी फॉर कॉरस्पोंडिंग थ्री सिग्मा जेड वैल्यू नाउ वी विल सी अवर वी विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन टी स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन कॉरस्पोडिंग टू ए जेड स्कोर ऑफ माइनस वन पॉइंट फाइव विल बी ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो माइनस वन पॉइंट फाइव जेड स्कोर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टी स्कोर की वैल्यू क्या होगी वन फिफ्टीन टू फिफ्टी थ्री इज फोर्टी फाइव और फोर इज थर्टी फाइव टी का हमें फॉर्मूला पता है टीजिकल टू टेन जेड प्लस फिफ्टी टेन इंटू वन पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट फाइव प्लस फिफ्टी तो माइनस फिफ्टीन प्लस फिफ्टी इज थर्टी फाइव सो अवर आंसर इज ऑप्शन थर्टी फाइव बट वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट टी स्कोर डायरेक्टली हेल्प ऑफ डायग्राम ये हम टी वैल्यू डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं डायग्राम से यहाँ आप देखेंगे z की वैल्यू हमने दी हुई है माइनस थ्री सिकमा माइनस फाइव सिकमा से हमने प्लस फाइव सिकमा तक प्लॉट किया, किया हुआ है तो कॉरस्पॉन्डिंग टी स्कोर की वैल्यू है जीरो टू हंड्रेड तक अब हमारे पास जेड की वैल्यू माइनस वन पॉइंट फाइव सिकमा है जो माइनस वन सिगमा और माइनस टू सिगमा के बीच में लाई करती है ये आप देख सकते हैं रेड से हमने मार्क किया हुआ है तो कॉरस्पॉन्डिंग टी स्कोर की वैल्यू थर्टी और फोर्टी के बीच में हुई तो कॉरस्पॉन्डिंग जो टी की वैल्यू हुई माइनस वन पॉइंट फाइव जिग्मा जेड वैल्यू के वो हुई थर्टी फाइव सो और आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर दैट इज थर्टी फाइव जेड स्कोर का हमें पता है मीन होता है जीरो डेविएशन होता है वन और टी स्कोर का मीन होता है फिफ्टी और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है टेन ये क्वेश्चन नंबर थाउजेंड में आया था नेट में अब नाउ वी विल मूव टू एन क्वेश्चन इफ एन इंडिविजुअल ऑप्टेंड जेड स्कोर ऑफ जीरो पॉइंट फाइव इन ए टेस्ट देन द कॉरस्पोंडिंग टी स्कोर वुड बी 5 .5, 5.5, 0.55, 5 और 55। हमें यह पूछा गया है क्वेश्चन में कि Z स्कोर जो दिया हुआ है 0.5 का तो उसका कॉरस्पोंडिंग टी स्कोर क्या होगा इसको हम डायरेक्टली फार्मूले से भी निकाल सकते हैं वी नो दैट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टी स्कोर इज टी इज टेन जेड प्लस फिफ्टी तो जेड इज जीरो पॉइंट फाइव इज गिवन टेन इन टू जीरो पॉइंट फाइव प्लस फिफ्टी इजल टू फाइव प्लस फिफ्टी इजल टू फिफ्टी फाइव सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर दैट इज 55 अब ये जो है वी कैन आल्सो कैलकुलेट दिस फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आल्सो यहाँ हम डायग्राम में दे सकते हैं जेड स्कोर भी दिए हुए हैं और कॉरस्पॉन्डिंग टी स्कोरस भी दिए हुए हैं जेड स्कोर्स का हमने प्लॉट किया हुआ है माइनस फाइव सिकमा टू प्लस फाइव सिकमा कोरोस्पॉन्डिंग टी स्कोर जीरो टू हंड्रेड अब जेड हमारे पास माइनस वन पॉइंट फाइव सिकमा दिया हुआ है सॉरी प्लस जीरो पॉइंट फाइव सिकमा दिया हुआ है तो ये जीरो और वन सिकमा के बीच में लाई करता है उसकी कॉरस्पोंडिंग टी वैल्यू लाई करेगी फिफ्टी और सिक्सटी के बीच में तो कॉरस्पॉन्डिंग जो जेड वैल्यू पॉइंट फाइव सिकमा उसकी टी वैल्यू हुई फिफ्टी फाइव सो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर दैट इज फिफ्टी फाइव इज द करेक्ट आंसर नाउ वी विल कैलकुलेट सॉल्व अनदर क्वेश्चन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टी स्कोर इज टी इज इक्वल टू टेन जेड प्लस फिफ्टी ये हमें पता है तो दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री टी इज इक्वल टू टेन जेड प्लस फिफ्टी ये फार्मूला से हम टी स्कोर कैलकुलेट करते हैं नाउ की पॉइंट्स वी विल डिस्कस की पॉइंट्स क्या हैं हमारे टी स्कोर के फर्स्ट मैकॉल सजेस्टेड टी स्केल वेर मीन ऑफ फिफ्टी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टेन इज यूज मैकॉल ने टी स्केल बताया था जिसका मीन होता है फिफ्टी और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है टेन इट इज यूज वेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल तभी यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो टी स्कोर इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर वेयर द कर्व इज ए बेल शेप कर्व होता है इट रेंजेस फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड विद ऑफ फिफ्टी एंड स्टैंडर्ड एविशन ऑफ टेन एंड इट एलिमिनेट्स द नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल स्कोर दिस इज एन एडवांटेज ऑफ टी स्कोर ओवर जेड स्कोर क्योंकि स्कोर में नेगेटिव और फ्रैक्शनल स्कोर यूज किए जाते हैं और जबकि टी स्कोर में ये यूज नहीं किए जाते ये एडवांटेज होता है टी स्कोर का जेड स्कोर के कंपेरिजन में फॉर्मूला जो कैल्कुलेट करने के लिए यूज किया जाता है टी स्कोर इज टी इज गोल टू टेन जेड प्लस सिग्मा वेर इज जेड कि हम वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स माइनस सेवन अपॉन एस टी वेर एक्स इज रॉ स्कोर मीन एम इज मीन एंड एस टी इज स्टैंडर्ड डेविएशन और जो कर्व द फॉलोइंग कर्व डिनोट्स द एक्सटेंशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अप टू प्लस माइनस फोर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मीन ये आप डायग्राम देख सकते हैं जो हम यूज करते हैं जेड स्कोर हमें दिया हुआ माइनस फोर सिकमा टू प्लस फोर सिकमा वेयर इज कॉरस्पॉन्डिंग ट्री स्कोर हमें दिया हुआ है इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी स्कोर इन एन पी सी एस गिवन टी स्कोर का हमने जैसे कि बताया मीन होता है फिफ्टी स्टैंडर्ड डेविशन होता है टेन और जेड स्कोर का मीन होता है जीरो और स्टैंडर्ड डेविशन होता है वन अब एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कैलकुलेट करते कैसे हम जी स्कोर हाउ वी कैलकुलेट द टी स्कोर फॉर्मूलाइज फिफ्टी प्लस टेन जेड जेड की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो इट बिकम्स फिफ्टी प्लस टेन इंटू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा वेर एक्स को हम बोलते हैं रॉय स्कोर और प्राप्तांक मीन इज कॉल्ड औसत सभी प्रतिभागियों द्वारा कुल प्राप्तांक डिवाइडेड बाय कुल प्रतिभागी

इज इक्ल टू टेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल टी इजल टू फिफ्टी प्लस टेन इन टू एक्स माइनस एम बाई सिकमा टीज टी स्कोर एक्स इज रॉय स्कोर एम इज मीन सिकमा इज स्टैंडर्डन टी इज इक्ल टू फिफ्टी प्लस टेन जेड वेट इज टी स्कोर एंड जेड इज जेड स्कोर अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं द स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ए स्टूडेंट इज एट्टी एंड जेड स्कोर इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव एंड द स्कोर इन इंग्लिश इज सेवेंटी एंड जेड स्कोर इज थ्री कन्वर्ट दीज स्कोर्स इन टू टी स्कोरस तो एक स्टूडेंट है उसका स्कोर मैथ्स में है एट्टी और जेड स्कोर दिया हुआ है टू पॉइंट फाइव फॉर मैथमेटिक्स रॉय स्कोर दैट इज एक्स इज एट्टी जेड स्कोर इज टू पॉइंट फाइव यूजिंग टी इज गिफ्टी प्लस टेन जेड वेयर then t scores of mathematics of student says 50 plus 10 into 2.5 is equal to 50 plus 25 is equal to 75 hence t score of student in mathematics is 75 Raw score x is equal to 70 z is score z is equal to 3 applying the formula t is equal to 50 plus 10 z z scores of english ऑफ़ स्टूडेंट इज फिफ्टी प्लस टेन इन टू थ्री इज टू फिफ्टी प्लस थर्टी इजल टू एट्टी एंड टी हेंस टी स्कोर ऑफ इंग्लिश इज 80 तो हमने देखा कि इट इज क्लियर दैट स्टूडेंट इज मोर एबल इन इंग्लिश एज कम्पेयर टू मैथ्स अब ये हम जो है टेबुलेशन ऑफ स्कोर्स भी कर सकते हैं वी कैन सी रॉय स्कोर मैथ्स में थे 80 इंग्लिश में 70 स्टैंडर्ड स्कोरस थे 2.5 मैथ्स में और जेड स्कोर था इंग, इंग्लिश में थ्री तो इस टी स्कोर मैथ्स में आए सेवेंटी और इंग्लिश में एट्टी इट मीन्स स्टूडेंट इज मोर एबल इन इंग्लिश देन कंपेयर टू मैथ्स आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा थैंक्स